साइबराबाद में एलबी नगर लिमिट्स में और शहर में हमारा हैदराबाद सिटी शहर में चादरगढ़ और चिकटपल्ली ये बेगमपेट ये 3 पुलिस स्टेशन लिमिट्स में ये 6 ऑफेंसेस करे। उनमें से ये 6 लोगों को पकड़ के इंटरागेट करने के बाद 106 मोबाइल फोन्स बरामद किया और 3 कैमरा 2 टेलीविजन सेट्स इन लोगों से रिकवरी करे थे। ये दोनों डे टाइम में ऑटो लेके रेकी करके कौन सा जगह अच्छा है ऑफेंस करने को वो चुन के रात में दोनों फिर ऑटो में जाके एक ऑटो में बैठ के पुलिस मूवमेंट्स और पब्लिक का मूवमेंट वॉच करते और दूसरा आदमी वो शॉप के पास जाके वो वॉल खोल करके होल से अंदर शॉप में घुस के वो शॉप में जो कॉस्टली आइटम्स रहता मोबाइल फोन्स और ब्रांडेड अच्छा ब्रांडेड का आईफोन सैमसंग HTC ऐसा जो अच्छा अच्छा ब्रांड्स है वही चुन के वो चोरी करके पूरा पैक करके फिर वो दोनों मिलके वो रिसीवर दो रिसीवर से उनको मोहम्मद अयाज और सैयद नजीरुद्दीन उन लोगों को वो लोग भेज के ये रिसीवर्स फिर बाद में ये मोबाइल्स जो चोरी करते उनका IMEI नंबर्स को चेंज करने के वास्ते दो लोगों को वो लोग एंगेज करें। एक नमोन खान है BCOM स्टूडेंट है और दूसरा इलियास ये मोबाइल शॉप में काम रिपेयर काम करने वाले। ये दो लोग खुद से कंप्यूटर में ऑनलाइन फ्री डाउनलोड ड्राइवर्स डाउनलोड करके वो IMEI नंबर्स रिप्लेस करके फिर बाद में वो रिप्लेस करने के बाद ये मोबाइल फोन्स ये रिसीवर्स को फिर वापस करके उन लोगों से एक एक फ़ोन को 1000 से 1200 रुपया उन लोग रिसीवर से लेके उनको वापस देते और रिसीवर्स फुल फिर ये लोग सेकंड हैंड मार्केट में कस्टमर्स को बेचते हाई प्राइसेस पे बेचते और बहुत मार्जिन लेके उनको प्रॉफिट वो लोग लेते। इस सिलसिले में हमारा SI सुधाकर बहुत अच्छा काम करा इन लोगों को गिरफ्तार करने में। इनको हमारा कमिश्नर साहब की तरफ से एक 5000 कैश रिवार्ड दिया गया है और पूरा टीम को भी और कैश रिवार्ड के अलावा पेपर पे भी उनको सर्टिफिकेट्स रिवार्ड देंगे। उनको मैं मुबारक बात करते हुए ये फिर इन लोगों को पुलिस कस्टडी के लेके आइंदा फिर इंटरागेट करके ऐसा कुछ लोग उनके नॉलेज में आए थे उनके बारे में फिर वर्कआउट करके जयदीश मार्केट और कोटी में कुछ सिकंदराबाद में ऐसा कुछ अड्डा है जहां ये लोग मोबाइल फोन्स का IMEI नंबर चेंज करके फिर कस्टमर्स को चीट करने को पूरा ऐसा काम जो करें उनके बारे में पूरा समाचार लेके फिर वर्कआउट करेंगे। ये लोगों ये दो ऑफेंडर्स फयाज और शेख अहमद ये लोग 6 केसेस में इन्वॉल्व है मगर 6 में 3 केसेस तो एक साल के अंदर करे 2015 और 2016 में जरूर उनके ऊपर PD एक्ट को लगाने का ये सूचना है। कितने साल से हम लोग इसे सब कितने दो साल से ये लोग यही चोरी काम कर रहे हैं और 6 केसेस में अभी तक उनका इन्वॉल्वमेंट साबित हुआ। आइंदा इन्वेस्टिगेट करने के बाद फिर और कुछ केस है तो उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे। थैंक यू।